वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट और मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और आज हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर, मतलब फर्दर पार्ट जो है हमारे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का फर्दर पार्ट हम देखेंगे, जिसकी शुरुआत करेंगे हम कंपनी रूल एक्सपांड इस टॉपिक से। कंपनी का रूल किस तरह से एक्सपांड होने लगा या किस तरह से बढ़ने लगा, अगर हम एनालाइज करें प्रोसेस को एनेक्सेशन की इंडियन स्टेट्स के बाय ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से 1857 के बीच में हुआ था, तो कुछ की एस्पेक्ट्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं हमें पता चलेंगे, इमर्ज होते हुए दिखेंगे या पता चलेंगे कि कुछ की एस्पेक्ट्स वहाँ पर थे। कंपनी रेयरली कंपनी ने लॉन्च किए थे डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, डायरेक्टली मिलिट्री अटैक उन्होंने नहीं किए थे अननोन टेरिटरी पे, इसके बदले में उन्होंने यूज़ किए थे वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स को, ताकि वो एक्सटेंड कर सके उनके इन्फ्लुएंस को या उनके कब्जे को या उनका जो इन्फ्लुएंस है, मतलब उनका जो असर है उसे और ज़्यादा बढ़ाने के लिए बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। एनेक्स करने से पहले इंडियन किंगडम पे अपना पूरी तरह से, मतलब उसे अपने कब्जे में लेने से पहले वो अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते थे उस लेवल तक। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार जो 1764 में हुआ था, कंपनी ने अपॉइंट किया रेसिडेंट्स को इंडियन स्टेट में, और ये थे पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स, और उनका जॉब ये था कि वो सर्व करें फर्दर इंटरेस्ट को कंपनी के लिए, कंपनी के लिए काम करना है उन्हें, और जो भी अदर इंटरेस्ट है कंपनी के वो भी उन्हें परफॉर्म करना है। दो द रेसिडेंट्स जो हैं, थ्रू द रेसिडेंट्स द कंपनी ऑफिशियल बिगन इंटरफेसिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट, और वो रेसिडेंट्स की मदद से कंपनी ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया इंटरनल अफेयर्स में इंडियन स्टेट के। वो ट्राई कर रहे थे डिसाइड करने के लिए कि कौन बनेगा सक्सेसर इस थ्रोन का, इस सिंहासन को कौन पाएगा, ये वो ट्राई करते रहते थे, सोचा करते थे डिसाइड कर रहे थे, और कौन अपॉइंट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे। कभी कभी कंपनी फोर्स करती थी स्टेट्स को इनटू सब्सिडियरी अलायंस के लिए, मतलब ये कि आप हमारे साथ में जुड़ाई कर लीजिए, मतलब जुड़ जाइए, इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस के लिए फोर्स किया करती थी। और अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस इंडियन रूलर्स जो थे वो अलाउ नहीं करते थे टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस, उन्हें कंपनी ने अलाउ नहीं किया था कि वो अपने इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस बनाए, उन्हें वो जो थे वो प्रोटेक्ट किए जाते थे कंपनी के थ्रू ही, मतलब कंपनी ने उनसे कहा था कि हम आपको जो अलग से प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपके पास अपना इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस नहीं होगा, बट हैड टू पे फॉर सब्सिडरी फोर्सेज, लेकिन आपको उन सब्सिडरी फोर्सेज के लिए जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, और वो कंपनी को आप किस बदले में दे रहे हैं, क्योंकि वो मेंटेन कर रही है आपके लिए प्रोटेक्शन को। अगर इंडियन रूलर फेल हो जाते थे उन्हें पेमेंट देने के लिए, इस चीज़ की जो कीमत है वो चुकाने में अगर फेल हो जाते, तो उनकी टेरिटरी का कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा टेरिटरी या पार्ट ऑफ टेरिटरी जो था वो पेनल्टी के रूप में कंपनी को देना पड़ता था या कंपनी उनसे लेती। फॉर एग्जाम्पल जब रिचर्ड वेलेसली जो थे, जो गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक, नवाब ऑफ अवध जो थे उन्हें फोर्स किया गया था कि वो हाफ उनकी जो टेरिटरी है वो कंपनी को दे दें 1801 में, क्योंकि वो फेल हो गए थे पे करने के लिए सब्सिडरी फोर्सेस के बदले में जो कंपनी ने उन्हें प्रोवाइड की थी। हैदराबाद जो था उन्हें भी फोर्स किया गया था कि वो कीप करे टेरिटरीज को इस सिमिलर ग्राउंड में ही, इसी तरह से। What power did the resident have? किस तरह के powers उन resident के पास में थे, जो commercial लोग थे जिन्हें appoint किया गया था उन लोगों के पास किस तरह के power थे? तो ये जो था, this was what James Mill, the famous economist और political philosopher जो थे, जो Scotland से थे, उन्होंने ये लिखा था residents appointed by the company के बारे में, मतलब उन residents के बारे में जो appoint किए गए थे company के through। वी प्लेस अ रेसिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री, हमने रेसिडेंट्स को लाया है, रेसिडेंट्स के बारे में सोचें तो एक तरह से देखेंगे किंग है हमारी कंट्री के। वॉट एवर इंजेंशंस, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस जो था वो अंडर में जो हो रहा था उनके अंडर में ही, में एक्ट अंडर उनके अंडर में उन्हें काम करना था, एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट द परफेक्ट सबसर्वियंस, और जितने देर, मतलब जितना ज़्यादा सबमिसिवनेस जो होगा प्रिंस जो है वो इस तरह से अगर एक्ट करता है एंड डज व्हाट इज एग्रीएबल, और अगर वो ऐसे कुछ करता है जो एग्रीएबल है रेसिडेंट्स के लिए,
दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, तो थिंग्स जो है सब कुछ शांति से चलती रहेंगी और ये मैनेज करेंगे विदाउट द रेसिडेंट्स अपीयरिंग मच इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर। और इससे आपको ये होगा कि अगर इस तरह से सब चलते रहा तो जो रेसिडेंट्स हैं वो आपको ज़्यादा इंटरफेयर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में नहीं करेंगे। बट अगर कोई भी चीज़ डिफरेंट हैपन होती है जैसा हम सोचा है उस तरह से नहीं होती, तो मूवमेंट ऑफ द प्रिंस टेक अ कोर्स विच इज ब्रिटिश गवर्नमेंट थिंग रॉन्ग, तो वो जो प्रिंस कर रहे हैं काम वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नज़र में गलत हो जाएगा। देन कम्स क्लैशिंग एंड डिस्टर्बेंसेस, और इसके कारण क्लैशिंग और डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा गया है ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है। पहले पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। कंपनी रिसॉर्टेड टू द डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। जब कंपनी ने देखा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन रिसॉर्ट करना शुरू किया, मतलब चलाना शुरू किया। और ये इलस्ट्रेट किया गया था केस ऑफ साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर के थ्रू। मैसूर जो है वो ग्रो हुआ स्ट्रेंथ में भी अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर जिनका नाम था हैदर अली, जिन्होंने रूल किया था मैसूर पे 1761 से 1782 तक। और उनके बाद में उनके सन जो थे टीपू सुल्तान, उन्होंने रूल किया 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल करता था प्रॉफिटेबल ट्रेड को ऑफ मालाबार कोस्ट, जहाँ पर कंपनी परचेज करती थी पेपर और कार्डमंगो। 1785 में टीपू सुल्तान ने बाहर जाने की चीज़ें, जैसे हमारी जो चीज़ों का एक्सपोर्ट हो रहा था, उन पर रोक लगा दी। सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम के ऊपर रोक लगा दी थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। जो उनके किंगडम के अंदर पोर्ट्स आते थे वहाँ से वो माल बाहर नहीं जाएगा। और डिसअलाउड कर दिया था लोकल मर्चेंट्स को कि वो ट्रेड करे कंपनी के साथ भी, मतलब कंपनी के साथ भी कोई ट्रेड नहीं करेगा इन चीज़ों का। उन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक क्लोज रिलेशनशिप फ्रेंच के साथ में, फ्रेंच लोगों के साथ में जो इंडिया में थे, और फिर उनकी हेल्प से उन्होंने इंडिया की आर्मी को मॉडर्नाइज कर दिया। ब्रिटिश जो थे बहुत ही फ्यूरियस थे, और उन्होंने देखा कि हैदर और टीपू जो है ये बहुत ही एम्बिशियस, एरोगेंट और डेंजर रूलर्स हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, जिन्हें कंट्रोल करना ज़रूरी है और क्रश करना ज़रूरी है। और इस चीज़ की वजह से ब्रिटिश, मतलब कंपनी के बीच में, ब्रिटिश लोगों के बीच में और टीपू सुल्तान और हैदर अली खान के बीच में वॉर हुए, और मैसूर के वॉर हुए, मैसूर को लेकर वॉर हुए, जो 1767 से 69 तक चले, 1780 से 84, 90 से 92 एंड 1799 में हुए। लेकिन इन चारों वॉर्स में जो सबसे लास्ट वाला वॉर था, बैटल ऑफ सिरंगपट्टनम का, उसमें कंपनी अल्टीमेटली विन कर गई या जीत गई। टीपू सुल्तान जो थे उन्हें मार दिया गया था और डिफेंड कर दिया गया उनकी कैपिटल, वो डिफेंड कर रहे थे उनकी कैपिटल सिरंगपट्टनम को। मैसूर जो है वो प्लेस मानी जाती थी अंडर द फॉर्मल रूलिंग डायनेस्टी ऑफ बोडियास, और सब्सिडरी अलायंस वहाँ पर इम्पोज हुआ था उस स्टेट में। यहाँ पर हमें लीजेंड ऑफ टीपू सुल्तान दिया गया है, टीपू दिया गया है। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड्स एंड देयर पावर ग्लोरीफाइड थ्रू फोकलोर। तो किंग्स जो हैं ऑफन सराउंड किए जाते हैं लीजेंड के थ्रू, और उनके पावर्स जो है उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है फोकलोर के थ्रू। यहाँ पर ये जो टीपू सुल्तान की बात है, जो रूलर बने थे मैसूर के 1782 में, ये कहा जाता है कि एक बार वो हंटिंग के लिए गए थे फॉरेस्ट में उनके एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ में, और वहाँ पर उनका सामना हुआ एक टाइगर के साथ में। उनकी गन जो थी वो वर्क करना बंद कर गई थी, और उनके पास जो टाइगर था वो भी उनके हाथ से गिर गया। तो वहाँ पर उन्होंने अन आर्म ली, मतलब सिर्फ बिना किसी आर्म के उन्होंने उस टाइगर के साथ में लड़ाई की या बैटल किया, और फाइनली उन्होंने किसी तरह से मैनेज किया अपने आप को कि वो नीचे झुककर उस टाइगर को ग्राउंड से उठा लें, और वहाँ से उन्होंने पिकअप किया और फाइनली उन्होंने उस टाइगर को किल कर दिया या मार दिया। और उसके बाद से उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना गया। उन्हें जो है इमेज ऑफ टाइगर जो है उनके फ्लैग पर आपको देखने को मिलेगी, उनके फ्लैग पर टाइगर की इमेज इसीलिए बनाई गई है। अब अगर हम देखें तो यहाँ दिया है वॉर विद मराठास। तो फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के आखिरी में द कंपनी जो थी वो सॉर्ट कर रही थी, आल्सो सॉर्ट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। उन्होंने क्या किया था, मराठा पावर्स को भी अपने अंडर में ले लिया था और डिस्ट्रॉय कर दी थी पूरी मराठा पावर को।
with their defeat in the third battle of Panipat in 1761. Maratha's dream of ruling from Delhi was shattered. और जो उनका ड्रीम था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, वो ड्रीम जो है वो टूट गया, उनका सपना जो है वो टूट गया और मराठास का जो ड्रीम ये था रूलिंग करने का दिल्ली को, वो शटर हो गया या बंद हो गया। वो डिवाइड हो गए इनटू मेनी स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड हो गए, डिफरेंट चीफ्स उनके बन गए हर स्टेट्स के, डिफरेंट सरदार्स बन गए जो बिलोंग करते थे डायनेस्टीज को, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। और ये चीफ जो थे वो हेल्ड मतलब हेल्ड करते थे या साथ में आते थे टुगेदर इन द अलायंस, उस अलायंस के लिए अंडर द पेशवा, पेशवा के अंडर में वो सबके सब एक साथ आते थे। जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, जो एक इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, जो बेस्ड किए गए थे पूना में। महाजी सिंधिया और नाना फडनिस जो थे, ये दो फेमस मराठा सोल्जर्स थे और स्टेट्समैन थे लेट 18th सेंचुरी के। मराठा जो थे वो सबड्यूड थे इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स। फर्स्ट वॉर जो था जो एंड हुआ था 1782 में विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, और यहाँ पर कोई भी क्लियर विक्टर नहीं था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 05 तक, और ये फॉट किया गया था डिफरेंट फ्रंट्स के थ्रू, जिसका रिजल्ट था इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज ऑफ द नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर, जिसमें आगरा और दिल्ली भी आता था। फाइनली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1817 से 1819 के बीच में, जिन्होंने क्रश कर दिया मराठा पावर को। पेशवा जो थे वो रिमूव किए गए और सेंड किए गए बैथूर की तरफ, जो कानपुर के पास में था, और पेंशन के साथ में। कंपनी जो थी अब वो कंप्लीट कंट्रोल उनका हो चुका था इन सारी टेरिटरीज पे साउथ ऑफ विंध्यास की। तो इस तरह से कंपनी ने वॉर किया मराठास के साथ एंड देन फाइनली मराठास की टेरिटरी को भी अपने अंडर में ले लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया है। अगले पार्ट के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है या किसी चीज़ का कोई सजेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।